और अहम खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। देश में अभी कुछ नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार ने कहा, ये सब देश का इतिहास बदल देंगे, झारखंड और देश का विकास करेंगे, झारखंड के साथ बिहार का हमेशा रिश्ता रहेगा, हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है। नीतीश कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। मिशन 2024 पर नीतीश कुमार, नेताओं से मुलाकात, क्या बनेगी बात? कल पटनायक से चर्चा, आज हेमंत सोरेन से मुलाकात। विपक्षी एकता के प्रयासों में लगातार मिल रही सफलता से बिहार के सीएम नीतीश कुमार काफी उत्साहित हैं। मंगलवार को ओडिशा के सीएम और बीजेडी नेता नवीन पटनायक से खुशनुमा मुलाकात के बाद नीतीश कुमार आज झारखंड पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। जो सब लोगों के विचार हैं, उसको कैसे हम एक समान विचार बनाए, इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोगों की बातचीत हुई है, उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया आप लोगों को। हम लोग सब लोग आपस में काफी बातचीत कर लिए हैं, एकजुट होकर के चलेंगे। और हम लोगों की राय है कि पूरे देश में विपक्ष के अधिकांश लोगों की एकजुटता हो जाए और मिलकर चलेंगे। और अभी देश में जो कुछ भी हो रहा है, समूचा हमारे पुराने इतिहास को बदलने की कोशिश चल रही है। विपक्षी एकजुटता को मजबूती देने के लिए सीएम नीतीश कुमार कई नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन से नीतीश कुमार की मुलाकात पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। और नीतीश जी चाह रहे हैं कि हम पूरे देश के जो प्रदेश के नेता जो हैं, दल के नेता हैं, उनसे बात करके हम 2000 का पार्लियामेंट चुनाव जो है, हम एक साथ लड़कर वर्तमान सरकार को, हम जिसका कमी है, खामी है, जो लोकतंत्र कमजोर कर रहे हैं, ऐसा पार्टी को हम जो है पराजित करने के काम करेंगे। एकजुट होकर मुकाबला करना होगा, तभी हम अपने लोकतंत्र को बचा सकते हैं, अपने संविधान को बचा सकते हैं। और इसके लिए जो अगुवाई करेंगे, मैं तो पक्षधर हूं कि सभी लोगों को उनके साथ मिलकर और वैसी ताकतों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। एक फॉर्मेलिटी भेंट करने आ रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है। जो हम लोग का UPA गठबंधन है, उसके तहत सिर्फ उनका बिहार में हुआ गठबंधन, ठीक है, बिहार में राजद और कांग्रेस और जदयू में हुआ। ना उनके पास जनता है, ना जनाधार है, ना इनके पास संगठन है। सुपर फ्लॉप पार्टी, सुपर फ्लॉप उसके नेता नीतीश कुमार साबित झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हुए हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं, पहले मुख्यमंत्री जो हैं जिस राज्य के, वहाँ की स्थिति को आगे किस प्रकार से अपराध और अपराधियों का तांडव है। आज नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाने का काम। भले ही बीजेपी नीतीश कुमार की एकता को गंभीरता से नहीं ले रही हो, लेकिन JDU का कहना है कि विपक्षी एकता की मुहिम से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए उनके नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और आजकल तो दूसरे कारण से बयान दे रहे हैं, आजकल बयान दे रहे हैं कि कहीं उनकी पार्टी के आका कहीं खुश हो गए, कुछ दे दिए, क्योंकि अभी उन पर खतरा मंडरा था। लेकिन मुख्यमंत्री जी के भी मित्र रहे हैं, हम लोग के नेता के भी मित्र रहे हैं, हम लोग बराबर उनको शुभकामना देते रहते हैं। लेकिन अभी जिस मुहिम में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, आज झारखंड जा रहे हैं, कल वो महाराष्ट्र जाएंगे, वो जो उनका मुहिम है, और उससे पहले वो बंगाल गए थे, मुहिम चल रहा है, वो बिल्कुल सही दिशा में और उसको पूरा समर्थन मिल रहा है। नीतीश कुमार मिल तो सभी विपक्षी दलों के नेताओं से रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, दिल्ली और महाराष्ट्र प्रमुख रूप से हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, झारखंड में 14, बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48,
ओडिशा में 21, उत्तर प्रदेश में 80 और दिल्ली में 7 सीटें। यानी अब तक नीतीश कुमार ने जिन नेताओं से मुलाकात की है या करने वाले हैं, वहां लोकसभा की कुल सीटें 212 होगी। देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, दक्षिणी राज्यों की सीटों को भी शामिल कर ले तो तकरीबन कुल सीटों में आधी से अधिक विपक्षी दलों के प्रभाव वाले राज्यों में है। नीतीश कुमार का ये मानना है कि चुनाव से पहले अगर इन राज्यों में विपक्षी एकता का प्रयास सफल रहता है तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताएं गिनाकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। न्यूज़ 8 बिहार झारखंड के लिए पटना से आदित्य झा और रांची से कुमार चंदन की रिपोर्ट।